आप सबका मंगल आरती में स्वागत, पधारने के लिए धन्यवाद। तू नीचे क्यों बैठा है? तो आज एकादशी है, उत्पन्न एकादशी। उत्पन्न एकादशी की कथा पढ़ी जाएगी अभी, आप बड़े ध्यान से सुनिए। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, मनोकामना पूर्ण करने वाली अनंत पुण्य प्रदायिनी एकादशी की उत्पत्ति, महात्म्य आदि के बारे में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भी अश्वमेघ यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण से यही सब प्रश्न किए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? इसका महात्म्य और विधि विधान क्या है? इसको करने से क्या पुण्य फल मिलता है? पहली वाली है ना जी, पहले। इसको करने से क्या पुण्य फल मिलता है, कृपया बतलाने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय की बात है, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्यराज हुआ था। वह दैत्य मूर नाम से प्रसिद्ध था। वह बड़ा ही क्रूर रौद्र रूप वाला तथा अत्यंत शक्तिशाली था। वह सभी देवताओं का घोर शत्रु था। उस भयानक और शक्तिशाली दैत्यराज ने इंद्र, आदित्य, वरुण, अबायु, अग्नि आदि देवताओं को पराजित करके उन्हें देवलोक से बाहर निकाल दिया था। देवगण भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तब देवेंद्र सहित सभी देवगण एकत्र होकर देवाधिदेव महादेव जी के पास शिवधाम पहुंचे। वहां इंद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना की और अपने दुखों का कारण बताया। इंद्र बोले, हे महादेव, हम सब देवों को मार मार कर मुर नामक बलशाली राक्षस ने देवलोक से निकालकर अपना आधिपत्य जमा लिया है। हम सभी मृत्यु लोक में दुखी जीवन बिता रहे हैं। कृपया आप हमें इस दुखी जीवन से छुटकारा पाने का उपाय बतलाएं। भगवान महादेव जी ने उन्हें इस संसार के स्वामी छोटा सा भगवान महादेव जी ने उन्हें इस संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी और कहा कि दैत्य मूर का अंत भगवान विष्णु की शक्ति से ही संभव हो सकता है। यह सुनकर देवराज इंद्र तथा अन्य सभी देवगण भगवान महादेव जी के आदेशानुसार पाताल लोक चले गए। वहां पर शेषनाग के शैया पर लक्ष्मी जी सहित विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। उनको विश्राम करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने विनम्रता से स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको मेरा प्रणाम है। आप स्तुति योग्य हैं। आपको हम सबका कोटि कोटि प्रणाम है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे मधुसूदन, आप हमारे ऊपर कृपा करें। समस्त देवगण आदि दैत्यों से त्रस्त हैं और भयभीत होकर हम सब आपके शरण में आए हैं। स्पीड थोड़ी घड़ा कम कर, थोड़ी स्पीड। आप हमारी रक्षा कीजिए। समस्त देवों की करुण वाणी से द्रवित हो विष्णु भगवान ने उन्हें सांत्वना दी। विष्णु जी ने कहा, हे देवराज, वह कैसा राक्षस है जिसने तुम सब देवों को पराजित करके देवलोक से बाहर निकाल दिया है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट का रहने का स्थान कहाँ है? भगवान की अमृत तुल्य मीठी वाणी सुनकर इंद्र बोले, हे देवेश्वर, प्राचीन समय में
ताल जंघ नामक एक राक्षस था, उसी का दैत्य पुत्र मुर के नाम से विख्यात हुआ, जो चंद्रावती नगरी में रहता है। अपने बल प्रताप से, भूमंडल से सभी देवताओं को परास्त करके देवलोक को जीतकर उसने हम सबको वहां से निकाल दिया है। उसने दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है और अपने ही कुल के और अपने ही कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा आदि को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं ही सूर्य बनकर धरती को गर्मी प्रदान करता है, बादल बनकर जल वर्षा करता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप उस बलशाली व भयानक दैत्य मुर को मारकर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु जी को बहुत क्रोध आया और वे बोले, हे देवगण, आप धीरज धरें, मैं अतिशीघ्र तुम्हारे सब शत्रुओं का नाश करके आप सबकी रक्षा करूँगा। आप सब शीघ्र ही अपनी सेना के साथ चंद्रावती नगरी चलिए। स्वयं भगवान विष्णु जी भी आगे आगे चंद्रावती नगरी की ओर चल पड़े। वहां दैत्यराज मुर अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में लड़ने के लिए गर्जन कर रहा था। वहां पर देवों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। दानवों ने अनेक देवों को परास्त कर दिया। बहुत सारे देव युद्ध भूमि से भाग गए। तब भगवान विष्णु जी को युद्ध भूमि में देखकर राक्षसों ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने शुरू कर दिए। भगवान विष्णु ने भी अपने दिव्य बाणों और चक्र के भीषण प्रहार से दानवों पर आक्रमण किया, जिससे राक्षस मुर की सेना छिन्न भिन्न हो गई। भगवान विष्णु ने असंख्य राक्षसों को मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर दैत्यराज मुर भगवान विष्णु जी की ओर लड़ने आया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। यह सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दैत्य मुर भगवान विष्णु पर प्रहार करने लगा। वह जितने भी बाण भगवान पर फेंकता था, वे सब उनके तेज प्रताप से पुष्प में बदलकर गिर जाते थे। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शस्त्रों से दैत्य मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग किया, वे सभी उस दैत्य के तेज से कुंठित होकर नष्ट हो जाते थे। इसके पश्चात भगवान विष्णु के सर्परूपी बाणों और अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी दैत्य मुर पराजित नहीं हुआ, परंतु भगवान के बाणों और शस्त्रों से दैत्य मुर का शरीर घावों से छलनी हो गया था। जब दिव्य शस्त्रों से भी भगवान उस दैत्य मुर को न जीत सके, तब परिध के समान बाहुओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से युद्ध करते रहे, परंतु वे उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु थक कर विश्राम की इच्छा से बद्रिक आश्रम की ओर चल दिए। देखो, यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है कि भगवान विष्णु भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। ये भगवान की लीला है, ये भगवान विष्णु कृष्ण की लीला है। अगर भगवान उसको मार देते तो एकादशी की उत्पत्ति कैसे होती? तो अभी आगे वर्णन आएगा कैसे काशी माता उत्पन्न हुई है। भगवान रास्ते बनाते हैं ताकि हम लोग जो पापों से भरे पड़े हैं, हम लोग इन भगवान के बताए हुए मार्गों पर चल करके अपनी शुद्धि करें और अपने घर को वैकुंठ लोक हो जाएं। वहाँ पर उन्होंने सिंघावली नामक गुफा में शयन की इच्छा से प्रवेश किया। वह गुफा बहुत लंबी थी, जिसमें एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह घायल दैत्य मुर भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ बद्रिक आश्रम जा पहुँचा और उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। भगवान विष्णु को वहाँ विश्राम करते देख कर उस दुर्बुद्धि ने विचार किया कि अगर मैंने इस समय अपने चिर शत्रु को मार डाला तो सदैव ही तो क्या होगा, तो सदैव ही निर्भय होकर त्रिलोक में राज्य करूंगा। उसके इस प्रकार विचार के क्षणों में ही सुप्त अवस्था में भगवान के शरीर के तेज से एक अत्यंत सुंदर
तेजस्वी शक्ति संपन्ना कन्या प्रकट हुई जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए थी। उसने दैत्यराज मुर को युद्ध के लिए ललकारा। दैत्यराज उस सुंदरी एवं बलशाली कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसे युद्ध करने लगा। उस शक्ति संपन्ना एवं पराक्रमी दैवी कन्या ने क्रोधित हो दैत्य मुर को मुर के रथ को नष्ट कर दिया, अस्त्र शस्त्र तोड़ डाले और उसको निरशस्त्र बना दिया। उस दैवी कन्या ने उसे धक्का देकर पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद वक्ष पर पैर रखकर तलवार को वार करके उसके सिर को काट दिया। किस पर पैर रखकर? उसके वक्ष पर। वक्ष पर दैत्य मुर सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब अपने सेनापति दैत्य मुर को मरा जानकर सब दानव पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो वे दैत्यराज मुर के कटे हुए सिर को देखकर विस्मित हुए और सोचने लगे कि इस दैत्य का वध किसने किया है। उसी क्षण उन्होंने उस कन्या को भी देखा। वह कन्या भगवान विष्णु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, इस दैत्य को किसने मारा और तुम कौन हो? कन्या कहने लगी, हे देवेश्वर, मैं आपकी देह से उत्पन्न हुई हूं और मैंने ही इस दैत्य राज को मारा है। क्योंकि यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके आपके विश्राम के समय आपका वध करना चाहता था। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुमने इसे मारकर देवताओं का महान उपकार किया है और सभी देवों की रक्षा की है, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छानुसार मुझसे जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम्हें ऐसा वर देना चाहता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ होगा। वह कन्या हर्षित होकर बोली, हे प्रभु, ऐसा वर दीजिए कि जो भी प्राणी मेरा व्रत उपवास करें उसके सारे दुख दूर हो जाएं और उसके पिछले समस्त पाप नष्ट हो जाएं। मैं समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ तथा ये जो ये कन्या वर मांग रही है, इच्छा भगवान की है। पीछे उन्हीं के शरीर से कन्या प्रकट हुई और वो माता कह रही है कि जो मेरा व्रत करे मेरे दिन उसके सारे दुख दूर हो जाए। तो ये सब भगवान की लीला है ताकि हम लोग माया जाल में फंसे हुए, जन मन के चक्र में फंसे हुए, अपने पापों का बोझ हल्का कर सके। मैं समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ तथा अपने भक्तों को मनोवांछित वर देने वाली बनूं तथा मरणोपरांत वह स्वर्गलोक प्राप्त कर सके। तथा मरणोपरांत वह स्वर्गलोक प्राप्त कर सके। वैकुंठ लोक नहीं, स्वर्गलोक। मरणोपरांत स्वर्गलोक प्राप्त कर सके जी। मुझ में श्रद्धा रखने वाले और व्रत उपवास। अच्छा, आप में से कौन कौन स्वर्ग में जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं। देखो, जो महाप्रभु ने और फिर प्रभुपाद जी ने सूचना दी है, स्वर्ग में जाकर वापस आना पड़ता है, लेकिन वैकुंठ में जाकर वापस नहीं आना पड़ता। सभी वैकुंठ जाने का मन बनाओ। वैकुंठ जाने का मन बनेगा जब हम भगवान के चरणों में समर्पण करके उनके लिए कार्य करेंगे। फिर से शब्द रिपीट कर। मैं समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ तथा अपने भक्तों को मनोवांछित वर देने वाली बनूं तथा मरणोपरांत वह स्वर्गलोक प्राप्त कर सके। मुझ में श्रद्धा रखने वाले और व्रत उपवास करने वाले निश्चित रूप से ही धर्म धन धान्य से भरपूर सुखी तथा समृद्ध रहें और सांसारिक सुख भोग करते रहें। अंत समय में वे मुक्ति के परम धाम को प्राप्त करें। कन्या के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मुझ में और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्धि व समृद्धि पाएंगे
और मरणोपरांत विष्णु धाम को जाएंगे। भगवान है विष्णु धाम वैकुंठ लोक। हे पुत्री, तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः अब तुम्हें एकादशी के नाम से ही तीनों लोकों में जाना जाएगा। तेरे उपवास का फल सब तीर्थों से भी अधिक होगा। यह सब कहकर श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कन्या उत्पन्ना एकादशी भी प्रभु के वचनों से बहुत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों से भी अधिक फल एकादशी व्रत और उपवास का होता है। एकादशी व्रत और उपवास धारी के सब शत्रु भाग जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है। उस पर आने वाले दुख विपत्तियों एवं बाधाओं को मैं स्वयं निर्मूल कर देता हूँ। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति, उसके व्रत और उपवास से मिलने वाले पुण्य लाभ के बारे में सविस्तार बतलाया है। द्वादशी से युक्त एकादशी सबसे उत्तम होती है। एकादशी का व्रत करने द्वादशी से युक्त जी एकादशी कल शुरू हुई थी, आज द्वादशी और एकादशी दोनों है, ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं। आज एकादशी कब तक है? कब शुरू हो रही है? तो ये कृष्ण भगवान कहते हैं द्वादशी तिथि से युक्त एकादशी बड़ी उत्तम होती है। फिर से रिपीट करो शब्द। द्वादशी से युक्त एकादशी सबसे उत्तम होती है। एकादशी का व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को प्रातः स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। उपयुक्त विवरण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा है कि विष्णु भक्तों के लिए एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को शास्त्रानुसार विधि पूर्वक करने से श्रद्धालुओं को समस्त वैभवों की सिद्धि प्रदान करने वाला सहज साध्य भी प्राप्त हो सकता है। एकादशी महात्म्य का श्रवण पठन और उच्चारण करने वाले भक्तों के समस्त सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं और वे सदैव ही अश्वमेध यज्ञ के समान ही फल प्राप्त करते हैं। वे इस मृत्युलोक में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस कथा का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। फलाहार इसमें गुड़ और बादाम का सागर होता है। कुट्टू के आटे की सामग्री, दूध, मेवा और फल ले सकते हैं। आज का दिन बहुत शुभ है। आज के दिन दो हमारे आचार्य शिला नरहरि सरकार आज के दिन धाम को चले गए और दूसरे कालिया कृष्ण, वो भी आज के दिन ही धाम में गए। तो आओ थोड़ा इनका सिमरन करें, इन दो आचार्यों को याद करें। ये जो भजन गाया जाता है, ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य चाको, हे न प्रभु को
कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनाता कहाँ मोरा कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावा कहाँ दास कहाँ मोरा युगा कहाँ कबीरा कहाँ मोरा भाट एका काले कोठा गेला गौरा नटरा एकाकार कहाँ मोरा भाट युगा कहाँ कबीरा कहाँ मोरा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा एका काले पाषाणे कुटी बो मथ अनिल पाशी बो अनिल पाशी बो गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो गौरंगा गुण से समा संगीरा संग ये कोयलो विला से सवा से संग न पाया कांदे नरोतम दा से संग ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर ये अनिलो हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु न
Jaya Nar Hari Thakur, Jaya Nar Hari Thakur. Jaya Kaliya Krishna, Jaya Kaliya Krishna, Jaya. Jaya Kaliya Krishna, Jaya Kaliya Krishna. Prabhupada, 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 Jaya Jaya. जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। तू पढ़ेगा? तेरे पास है? उधर से पढ़ेगा तो नरहरि पहले जा। तो नरहरि सरकार का जो जन्म के विषय में संक्षेप में मधुप्रिया पढ़ेगा। श्री नरहरि सरकार ठाकुर, महाप्रभु से भेंट होने से पूर्व नरहरि ने संस्कृत एवं बंगाली में राधा गिरिधारी के ब्रज रस के विषय में अनेक गीतों का विन्यास किया था। उत्तर काल में वे तथा गदाधर पंडित सर्वदा चैतन्य महाप्रभु के संग रहे। नरहरि चामार अथवा मयूर पंख डुलाकर महाप्रभु को प्रसन्न किया करते थे। शिला भक्ति विनोद ठाकुर की गोर आरती इस सेवा का गुणगान करती है। नरहरि आदि कोरी चमर ढुलाए। नरहरि सरकार का परिवार वैष्णव गण का गौरव था। नरहरि सरकार का परिवार वैष्णव गण का गौरव था। उनके प्रभाव के कारण श्रीखंड के सकल जन वैष्णव बन गए। समग्र ग्राम भगवत प्रेम रूप कल्प वृक्ष की एक शाखा में परिवर्तित हो गया। भगवान गौरचंद्र के समय से श्रीखंड गोड़िया वैष्णववाद का एक प्रचार केंद्र रहा है। एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु श्रीखंड पधारे तथा नरहरि से प्रश्न किया, ठीक है, हमें ज्ञात है कि आप कौन हैं, तो मधु कहाँ है? अपनी योग शक्ति द्वारा नरहरि ने प्रभु की प्रसन्नता हेतु एक पात्र में भरे जल को परम मधुर मधु में परिणत कर दिया। व्रजलीला में नरहरि एक प्राण सखी मधुमती के रूप में भगवान श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, जो राधा दामोदर एवं उनके प्रियजनों हेतु आस्वाद्य मधु की आपूर्ति करती है। आस्वाद्य क्या? आस्वाद्य। श्री नरहरि सरकार राधा कृष्ण प्रेम से सर्वतः संसिक्त थे। राधा कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा एवं नरहरि सरकार क्या प्रेम से सर्वतः प्रेम से सर्वदा संसिक्त थे। राधा कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा एवं विशुद्ध प्रेम की गहनता का पार कोई नहीं पा सकता।
व्रज में वे राधा की प्रिय सखी मधुमती हैं तथा गौरांग लीला में वे नरहरि हैं। राधा कृष्ण प्रेम का आगार। नरहरि सरकार के ग्रंथों पादकल्पतरु एवं कृष्ण भजनामृत में गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु का स्तुति गान करते हुए अद्भुत अंतरंग गीत हैं। आचार्यगण का कहना है, नरहरि ने मधुरतम भक्ति से ओतप्रोत अनेक सरस मधुमय गीतों की रचना की। श्री कृष्ण भजनामृत में नरहरि शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना की जाए। श्री लोचनदास ठाकुर तथा अनेक अन्य भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे। उनकी समाधि राधा कुंड में राधा सेवा आश्रम के निकट है। बोलो नरहरि सरकार ठाकुर की जय। काली कृष्ण। श्री काली कृष्णदास। काली कृष्णदास के स्मरण मात्र से व्यक्ति को निश्चित ही श्री चैतन्य एवं श्री नित्यानंद की प्राप्ति होगी। नित्यानंद प्रभु के प्रति सर्वतः समर्पित काली कृष्णदास निताई के चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने वृंदावन में भजन करते हुए अपनी देह त्यागी। वृंदावन में भजन करते हुए अपनी देह त्यागी। व्रजलीला में वे कृष्ण बलराम के एक गोप सखा लवंग हैं। बोलो काली कृष्णदास जी महाराज की जय। कोई प्रश्न किसी को? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श